साथियों, जब मैं आपके बीच में आया हूं और मेरे ये डेनमार्क की पहली विजिट है, तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं? सचमुच में अब मैं मांगूंगा और आप मानेंगे नहीं तो मानेंगे, लेकिन अगर करेंगे नहीं तो पक्का करेंगे। कितने लोग हैं जो वादा पूरा करेंगे? ये आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, आजादी के 75 साल हैं। इस अमृत महोत्सव से शुरू करना है, कौन मानते हैं? अगर आप मानने वाले हैं तो मैं बताऊं, मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे आवाज कम हो रही है आपकी। आपको लग रहा है कि कोई मुसीबत आ रही है, ऐसा ही हो रहा है ना? मैं दुनिया में हमारे जितने देशवासी रहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में कह रहते हो, उनसे मेरा एक आग्रह है, आप अपनी आवाज जरा कम करो, आपकी आवाज कम करो। अब सबने देख लिया आप कहां बैठी हो। मुझे कोई बहुत बड़ा गंभीर बात बताने वाला नहीं, बस सामान्य बात है, बहुत छोटी। करेंगे? पक्का करेंगे? वादा निभाएंगे? देखिए, भारत इतना महान देश है, भारत के प्रति हम लोग इतना गर्व करते हैं। आप कम से कम हर वर्ष 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स, इंडियन नहीं, 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स को हिंदुस्तान देखने के लिए भेजने का काम कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। अभी से टारगेट कीजिए, हाँ, इन 5 को तो मुझे हिंदुस्तान देखने के लिए भेजना है, और फिर उसको समझाइए, देखिए हमारे यहां दक्षिण में ये हैं, तमिलनाडु में ये हैं, ओडिशा में ये हैं, बंगाल में ये हैं, जाइए। आपको कल्पना है दोस्तों, आप दुनिया की कितनी बड़ी ताकत बन जाओगे? फिर ऐसा मत करना कि वहां डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, रोना रोना धोना करने वालों का एक काम नहीं है जी। एक जमाना था जब हवाई यात्राएं नहीं थी, मेरा देश ऐसा था कि दुनिया के लोग हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा करके मेरा देश देखने के लिए। हमें ये फिर से ये वातावरण बनाना है, और आप देखिए, देखते ही देखते दुनिया के लिए एक ही डेस्टिनेशन बन जाएगा, चलो इंडिया। और ये काम एम्बेसी का नहीं है, ये काम राजदूतों का नहीं है, ये काम आप जैसे राष्ट्रदूतों का है। राजदूत तो एक होता है,
राष्ट्रदूत लाखों की तादाद में होते हैं। इंक्लूसिवनेस और कल्चरल डाइवर्सिटी, विविधता, विशेषता भारतीय समुदाय की ऐसी शक्ति है जो हम सबको प्रतिपल जीवंतता का एहसास कराती है। हजारों वर्षों के कालखंड ने इन वैल्यूज को हमारे भीतर विकसित किया है। आप यहां डेनमार्क में ही देखिए, भारत के अलग अलग राज्यों से लोग यहां आए हैं, बसे हैं। कोई तेलुगु बोलता है, कोई पंजाबी, कोई बांग्ला आणि कोई मराठी आणि केटला केम छो गुजराती। तो कोई तमिल वणक्कम से शुरू करता है, तो कोई मलयाली, कोई उड़िया जय जगन्नाथ, कोई कन्नड़ा, तो कोई असमिया। भाषा कोई भी हो, लेकिन भाषा अनेक भाव एक। भाषा कोई भी हो, लेकिन हम सभी के संस्कार भारतीय ही है। हमारी खाने की थाली बदल जाती है, टेस्ट बदल जाता है, लेकिन स्नेह से बार बार आग्रह करने का भारतीय तरीका कभी नहीं बदलता है। और हमें मालूम है कुछ लोगों को तो आग्रह करने का ऐसा स्वभाव होता है कि नमक के लिए भी कर देते हैं। हम राष्ट्र रक्षा के लिए मिलकर खड़े होते हैं, राष्ट्र निर्माण में मिलकर जुटते हैं। भारतीयता सबका साथ सबका और सबका। अब देखिए घर घर बात पहुंच चुकी है और डेनमार्क में भी गूंज रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और इसी से समृद्धि होती है। और साथियों, वसुधैव कुटुंबकम यानी वन वर्ल्ड, पूरा विश्व एक परिवार, हमारा ये कंसेप्ट व्यापार कारोबार की अवधारणा से भी बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है, बहुत गहरा है, हिमालय से भी ऊंचा है। हमारी वन वर्ल्ड की अवधारणा अपनत्व पर, बंधुत्व पर, संवेदनशीलता पर, सम्मान पर टिकी है। 21वीं सदी का भारत भी नए ग्लोबल ऑर्डर के लिए इसी विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है। इट्स ग्रेट टू सी यू हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वर्क। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू वोजर स्टोरी एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट रोबस्ट जर्नलिज्म।